भैया हिलो ना। आज तीन थाना क्षेत्रों में विभिन्न मामलों में कई नामियां पकड़े गए हैं। सबसे पहले तो थाना बिलग्राम में एक शराब माफिया का क्लोज एसोसिएट पकड़ा गया है, जिसके कब्जे से 5 पेटी शराब बरामद हुई है और ये काफ़ी दिनों से वांछित चल रहा था। इसके ऊपर 15,000 रुपये का नाम इसकी गिरफ्तारी के लिए रखा गया था। एक दूसरे मामले में जो थाना माधोगंज का है, उसमें 2017 से एक चोर जो जिसके ऊपर कई मुकदमे हैं, 7-8 मुकदमे हैं चोरी के और बहुत वहाँ का नोटोरियस क्रिमिनल है, वो वांछित चल रहा था। उसके ऊपर भी 15,000 रुपये का इनाम था, वो पकड़ा गया है और उसके कब्जे से एक चोरी की साइकिल और पुरानी चोरी की एक बैटरी वो बरामद हुई है। तीसरे मामले में कछौना में तीन गो तस्कर पकड़े गए हैं, जिनके विरुद्ध कई मुकदमे हैं गोवध के और अन्य मामलों के। और उल्लेखनीय ये है कि इनके ऊपर कोतवाली देहात से एक पूर्व के मामले में जो गैंगस्टर में जिसमें वांछित चल रहे थे, 25,000 रुपये का इनाम इन पर किया गया था, जिसमें ये कोर्ट से एसटीए लेके चले आए थे। परंतु आज इनकी गिरफ्तारी कछौना के दूसरे मामले में, जिसमें उसमें भी ये वांछित चल रहे थे, उसमें इनकी गिरफ्तारी की गई।